So now students, we are going to start with the topic circular motion. So in order to understand circular motion, हमें कुछ basic चीजों की जानकारी चाहिए. अगर मैं बहुत ही simple भाषा में कहूँ that any body which is moving in a circle of radius r with a uniform speed, तो हम उसको कह सकते हैं कि ये बॉडी एग्जीक्यूट कर रही है सर्कुलर मोशन. ठीक है, अगर कोई बॉडी, कोई पार्टिकल मूव करता है एक सर्कल में जिसका रेडियस आर है विद यूनिफॉर्म स्पीड वी, तो हम ये कहेंगे कि ये जो मोशन है, जो ये बॉडी कर रही है, ये सर्कुलर मोशन है. और क्योंकि हमने स्पीड जो वी ली है, दिस स्पीड इज यूनिफॉर्म, तो हम इसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी कह सकते हैं. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. अब इसमें ऑब्जर्वेशन करने की जो बात है वो क्या है कि एज द बॉडी मूव्स फ्रॉम सपोज पॉइंट ए टू अनदर पॉइंट बी, दो इट्स स्पीड इज कॉन्स्टेंट, उसकी स्पीड तो अभी भी वी है, स्पीड तो कॉन्स्टेंट है, पर आप अगर डायग्राम को ध्यान से देखें तो देर इज अ चेंज ऑफ डायरेक्शन इन गोइंग फ्रॉम ए टू बी. देर इज वॉट, देर इज अ चेंज ऑफ डायरेक्शन. अब बच्चों दिमाग में ये क्वेश्चन उठता है कि व्हाट इज द फोर्स विच इज नेसेसरी टू ब्रिंग दिस चेंज ऑफ डायरेक्शन. कोई तो फोर्स होगा, बिना फोर्स के एक मूविंग ऑब्जेक्ट अपना डायरेक्शन बदल ले, ये संभव नहीं है. बिना फोर्स के कोई मूविंग ऑब्जेक्ट अपनी स्पीड बदल ले, ये संभव नहीं है. मतलब हम ये कहें कि बिना फोर्स के कोई मूविंग ऑब्जेक्ट अपनी वेलोसिटी बदल ले तो ये संभव नहीं है. सो वेदर द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी दैट इज अ स्पीड चेंजेस और द डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस, यू रिक्वायर व्हाट, अ फोर्स. तो एक फोर्स तो चाहिए. तो सर्कुलर मोशन में सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि व्हाट इज दैट नेसेसरी फोर्स विच इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग दिस चेंज ऑफ डायरेक्शन. और इसको समझने के लिए हमें एक और टर्म के ऊपर पहले काम करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. सेंट्रीफ्यूगल का मतलब होता है, सेंट्रीफ्यूगल टर्म का जो मतलब है दैट इज फ्लीइंग अवे, फ्लीइंग फ्रॉम द सेंटर, फ्लीइंग फ्रॉम द सेंटर. बड़े ध्यान से समझते हैं इसको, आसान टर्म है. देखिए क्या है कि अगर मैं एक स्ट्रिंग लूं और उस स्ट्रिंग से एक स्टोन टाई कर लूं, एंड आई मेक दैट स्टोन रिवॉल्व अलोंग अ सर्कुलर पाथ, एंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग डेफिनेटली विल सर्व एज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, तो वहां पे कुछ सिचुएशन ऐसी ही बन जाएगी. द ओनली डिफरेंस इज नाउ यू हैव अ स्ट्रिंग, ठीक है, और उसके एंड पे हमने एक स्टोन को टाई कर दिया है. ठीक है, तो अगर वो सर्कुलर पाथ में मैं उस स्टोन को घुमाता हूं विद सेम यूनिफॉर्म स्पीड वी,
with same uniform speed v. Then I am using the term inertial frame. Inertial frame. इनर्शियल फ्रेम हमने पहले भी बात करी है. इनर्शियल फ्रेम इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज आइदर एट रेस्ट और इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी. इनर्शियल फ्रेम. तो अभी मान लेते हैं कि ग्राउंड हमारा एक इनर्शियल फ्रेम है और उसको मैंने किसमें मान लिया है, इट इज एट रेस्ट, स्टेशनरी है वो. So there is an observer who is observing this motion from this inertial frame. So for the observer in the inertial frame, the tension in the string, अगर ये string मालूम है तो इसमें जो tension है, tension force T in the string will provide the necessary centripetal acceleration which is required to make the stone revolve in this circular path. तो इस observer के लिए, for the observer in inertial frame, tension in the string, tension string का जो है, tension in the string provides the necessary centripetal force. And centripetal force you have already read. Centripetal force is mv square by r, where r is the radius and v is the magnitude of velocity, that is the speed. So tension ko main likh sakta hu, T is mv square by r, or you can write that tension in the string provides the necessary centripetal acceleration which is v square by r. Necessary centripetal acceleration. Centripetal acceleration equal to v square by r. The same tension in the string provides the necessary centripetal acceleration v square by r, or you can write the necessary centripetal force as well. Now, if the same observation is made in a frame which is attached to the stone, agar stone ke saath ek frame attach kar diya jaye. So if the observer is in the frame of reference which is attached with the stone, observer is in the frame of reference, ध्यान से समझना, वो था inertial frame के observer के लिए. Reference frame, in the frame of reference attached to the stone, attached to the stone. समझ में आया, मतलब observer कहां है, उस frame में है जिसको हम assume कर रहे हैं कि it has been attached to the stone. अब ये जो frame है ये खुद एक accelerated frame of reference है, क्योंकि अभी तो हमने लिखा कि ग्राउंड ऑब्जर्वर के लिए जो टेंशन है स्ट्रिंग में वो नेसेसरी सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है, और अब आपने एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस अटैच कर दिया किसके साथ, इस रिवॉल्विंग स्टोन के साथ, यानी कि जो ऑब्जर्वर है वो खुद एक एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है. और अगर वो एक एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है तो इसका मतलब हम न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है उसको डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर पाएंगे, बिकॉज इन ऑर्डर टू अप्लाई द न्यूटन सेकेंड लॉ यू नीड टू अप्लाई बिफोर दैट अ स्यूडो फोर्स. तो आपको वहां एक स्यूडो फोर्स लगाने की जरूरत पड़ेगी किसके ऊपर, इसी स्टोन के ऊपर.
जिसकी वैल्यू होगी एम ए के बराबर, और वो स्यूडो फोर्स आप किधर लगाएंगे? अपोजिट टू द डायरेक्शन इन विच द स्टोन इज गेटिंग एक्सेलरेटेड, दैट इज टूवर्ड द सेंटर। सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन किधर की तरफ डायरेक्टेड होता है? सेंटर की तरफ। यानी कि आप इस स्टोन के ऊपर अगर आप किस में बैठे हैं, इन द रेफरेंस फ्रेम विच इज अटैच्ड टू द स्टोन, देन यू नीड टू अप्लाई व्हाट? अ स्यूडो फोर्स, एन इमेजिनरी फोर्स आउटवर्ड्स। तो बाहर की तरफ आपको एक फोर्स लगाना पड़ेगा इस स्टोन के ऊपर, जिसकी वैल्यू होगी कितनी? एम ए के बराबर, एम ए के बराबर। एंड ए इज हाउ मच? वी स्क्वायर बाय आर। यानी कि जो ऑब्जर्वर इन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस है विच इज अटैच टू द स्टोन, उसके लिए जो नेट फोर्स है स्टोन के ऊपर वो कितना हो गया? वो हो गया जीरो, क्योंकि टेंशन प्रोवाइड कर रहा है टुवर्ड द सेंटर एम वी स्क्वायर बाय आर, एंड दिस फोर्स एम ए इज ऑल्सो इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर बिकॉज ए इज वी स्क्वायर बाय आर। ठीक है, तो सूडो फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड एम ए विच इज एम वी स्क्वायर बाय आर अवे फ्रॉम द सेंटर मस्ट बी एज्यूम्ड टू एक्ट ऑन द स्टोन इन एडिशन टू द मटीरियल फोर्स दैट इज टी एम वी स्क्वायर बाय आर टूवर्ड्स द सेंटर। तो एक मटीरियल फोर्स हो गया एम वी स्क्वायर बाय आर जो सेंटर की तरफ लग रहा है, और एक सूडो फोर्स हो गया एम वी स्क्वायर बाय आर जो अवे फ्रॉम द सेंटर लग रहा है। ठीक है, और इन दोनों का मिला के जो रिजल्टेंट है वो कितना है? जीरो। तो यानी कि उसके हिसाब से ये स्टोन कैसा है, ये अभी स्टोन कैसा हो गया? दिस स्टोन इज स्टेशनरी, क्योंकि इसके ऊपर नेट फोर्स कितना है? जीरो है। सो फॉर द ऑब्जर्वर, देखो उसके लिए अलग ऑब्जर्वेशन आ रही है, इसके लिए अलग ऑब्जर्वेशन आ रही है। ठीक है, तो ये जो फोर्स आपने इमेजिन किया, द फोर्स विच इज एज्यूम टू एक्ट ऑन द स्टोन आउटवर्ड्स और अवे फ्रॉम द सेंटर, दैट इज टर्म्ड एज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसी फोर्स को हम नाम देते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, द फोर्स विच इज एज्यूम टू एक्ट। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन सा फोर्स है? द फोर्स विच इज एज्यूम टू एक्ट, द फोर्स विच इज एज्यूम्ड टू एक्ट। To act on the stone away from the center, away from the center. इस फोर्स को नाम दिया जाता है बच्चों सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये एक एडिशनल फोर्स है विच मस्ट बी अप्लाइड इफ यू आर मेकिंग द ऑब्जर्वेशन sitting in the frame of reference which is attached to the revolving stone, where as we know that in order to make a body revolve along a circular path you need what? A centripetal force. There must be a force acting on the stone directed towards its center. Kyunki agar change of direction ho raha hai, it means there is a change of velocity, and corresponding to the change of velocity there must be an acceleration. तो वो एक्सेलरेटेड मोशन अगर है, तो एक्सेलरेटेड मोशन होने के बावजूद होने के वजह है, इसका मतलब उसके ऊपर एक सेंट्रीपिटल फोर्स या एक फोर्स काम करना ही चाहिए। एंड दैट फोर्स हियर इज प्रोवाइडेड बाय व्हाट? द टेंशन फोर्स इन द स्ट्रिंग। ठीक है, पर आपकी दो डिफरेंट ऑब्जर्वेशन जो मैंने लिखी है ये आपको दिमाग में बिठा लेनी है बिल्कुल, कि इनर्शियल फ्रेम से अगर आप ऑब्जर्व करते हो इस मोशन को स्टोन के, तो आप ये कहेंगे कि टेंशन फोर्स इज द ओनली फोर्स विच इज प्रोवाइडिंग द नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स विच इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर, एंड इफ यू आर डूइंग द सेम ऑब्जर्वेशन सिटिंग इन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज अटैच टू द रिवॉल्विंग स्टोन, देन यू हैव टू फर्स्ट अप्लाई और यू हैव टू एज्यूम एन एडिशनल फोर्स। क्या एडिशनल फोर्स? अ स्यूडो फोर्स इक्वल टू एम ए डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। क्लियर है बात? ये इसी फोर्स को नाम दिया जाता है बच्चों सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम सर्कुलर मोशन की बातचीत शुरू करने वाले हैं, तो हमें दो चीजें बिल्कुल दिमाग में रहें कि देयर इज सम फोर्स विच इज रिक्वायर्ड।
एक फोर्स तो हमें चाहिए ही चाहिए टू कीप द बॉडी मूविंग अलोंग दैट सर्कुलर पाथ. जैसे मान लीजिए, कॉमन सी ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ, द प्लैनेट्स दे रिवॉल्व अराउंड द सन. प्लैनेट्स सन के चारों तरफ घूमते हैं, ऐसा कहावत है, ठीक है, ये फैक्ट भी है. और अगर प्लैनेट्स घूमते हैं, इट मीन्स देयर मस्ट बी अ फोर्स विच इज गेटिंग डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सन. सो वॉट इज दैट फोर्स? वो फोर्स का नाम तो हमने बोल दिया, इट इज अ सेंट्रिपिटल फोर्स, बट वॉट प्रोवाइड्स दैट सेंट्रिपिटल फोर्स इज द क्वेश्चन मार्क. तो दैट सेंट्रिपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय वॉट? द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन ऑन द प्लैनेट प्रोवाइड्स दैट नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स विच मेक्स द प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन. जैसे मून घूम रहा है अर्थ के चारों तरफ, तो जो ग्रेविटेशनल पुल है अर्थ का ऑन द मून, दैट प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स. अगर कोई कार घूम रही है सर्कुलर पाथ में, देन द फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन द टायर एंड द रोड प्रोवाइड्स दैट नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स. अगर एक पत्थर को स्ट्रिंग्स के साथ बांध के सर्कुलर पाथ पे घुमाया जा रहा है, देन द टेंशन फोर्स इन द स्ट्रिंग प्रोवाइड्स दैट नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स. तो मतलब हर जगह आपको पहले इस फोर्स की तलाश करनी पड़ेगी कि व्हाट इज दैट विच प्रोवाइड्स दिस नेसेसरी, जो चाहिए हमें, जरूरी फोर्स चाहिए, सेंट्रिपिटल. तो सेंट्रिपिटल इज अ रियल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल इज अ स्यूडो फोर्स, इट इज एन इमेजिनरी फोर्स. इसलिए मैंने लैंग्वेज में लिखा है द फोर्स विच इज एज्यूम्ड, ठीक है. और जो मटीरियल फोर्स है, दैट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग. सो देर इज अ टेंशन फोर्स mv² / r = mv² / r विच इज गेटिंग डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर. और इसके बाद मैंने नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठ के जो अटैच था स्टोन, रिवॉल्विंग स्टोन के साथ, उसमें एक फोर्स एज्यूम किया equal to ma विच इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर. और इन दोनों फोर्सेज ने क्योंकि आपस में बैलेंस कर लिया, तो हमने कहा जो नेट फोर्स है इस रिवॉल्विंग स्टोन पे, इफ द ऑब्जर्वेशन इज मेड फ्रॉम दिस फ्रेम, दैट इज जीरो. ठीक है, दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया. तो हम रियल सिचुएशन की बात करें तो हमारी ऑब्जर्वेशन कहां से सही है? जब हम इनर्शियल फ्रेम से ऑब्जर्व करते हैं मोशन को. तो इसलिए सेंट्रीपिटल फोर्स को हमने बोला रियल फोर्स, और सेंट्रीफ्यूगल को बोला एक स्यूडो फोर्स. कुछ दिमाग में बात बैठ गई, ठीक है. तो इसको नोट करिए पहले, फिर हम दोबारा से अपने टॉपिक पे आते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन.